ओमिक्रॉन को हम कोरोना के अंत की शुरुआत कह सकते हैं। ये कहना भले अभी जल्दबाजी हो, लेकिन ओमिक्रॉन के फैलने के साथ कुछ अच्छी खबर भी आ रही है। यूके में 80 की उम्र वाले लोगों के अस्पताल में रुकने की अवधि ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा को बड़ी राहत दी है। आंकड़े बताते हैं कि तीसरी लहर के दौरान पिछले साल 1 मई से 80 पार के लोगों के अस्पताल में रुकने की अवधि औसतन 11 दिन थी। वहीं 1 दिसंबर के बाद से जब से ओमिक्रॉन की लहर ने दस्तक दी है, अस्पताल में रुकने की अवधि घटकर आधी रह गई है। ऐसा हालांकि सिर्फ 80 की उम्र के साथ नहीं है, चाहे बात 50 से लेकर 69 के उम्र समूह की हो या फिर 70 से लेकर 79 उम्र समूह की, वहां भी यही स्थिति देखी गई है। इससे अच्छी बात यह है कि जो लोग 50 के नीचे उम्र वाले हैं, वे अस्पताल में 3 से 4 दिन में ही ठीक हो रहे हैं। दिसंबर में तेजी से होने वाली रिकवरी के पीछे वैक्सीन और दवा का असर और ओमिक्रॉन वेरिएंट का हल्का होना माना जा रहा है। मेल ऑनलाइन के आकलन के मुताबिक कोविड-19 से मरने वालों की दर में 24 गुना कमी देखने को मिली है। ये घटकर 0.15% रह गई है। इस संबंध में दक्षिण अफ्रीका के स्वास्थ्य विशेषज्ञों का भी यही मानना है कि मरीजों के अस्पताल में रुकने की अवधि घटी है। वहां हुए एक अध्ययन के मुताबिक ये ओमिक्रॉन वेरिएंट पिछले अन्य वेरिएंट की तुलना में 10 गुना कम घातक है। यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंजेला में मेडिसिन के प्रोफेसर पॉल हंटर का कहना है कि यूके में वेरिएंट ठीक वैसा ही बर्ताव कर सकता है जैसा दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिला है। यूके में रोजाना आने वाले मामलों में पहली बार 5% साप्ताहिक गिरावट। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े बताते हैं कि यूके में पिछले 24 घंटे में करीब 1,79,765 पॉजिटिव केस दर्ज किए गए, जो पिछले हफ्ते की तुलना में 5% कम था। इससे ये जाहिर होता है कि ओमिक्रॉन की लहर अब सर पे लाकर नहीं कर रही है। और इसी तरह हाल ही में मिले अस्पताल के आंकड़े बताते हैं कि यूके में 2 जनवरी को करीब 2,078 मरीज आए थे, जो एक हफ्ते पहले से 3% कम थे। इसी तरह 231 मौत दर्ज की गई है, जो उससे पहले हफ्ते से 30% कम थी। इसी तरह लंदन, जहां ओमिक्रॉन का कहर सबसे ज्यादा बरपा था, वहां भी अस्पताल में दाखिले की दरें में हफ्ते में 19% की गिरावट देखने को मिली है। ये गिरावट दिन पर दिन लगातार देखी जा रही है। पिछले साल जनवरी में पीक के दौरान जहां रोजाना 900 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हो रहे थे, वहीं इस साल जनवरी में ये आंकड़ा 400 के करीब है। कोरोना और वैक्सीनेशन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।